आप देख रहे हैं डीआरजी टीवी जनता की आवाज। मैं निकिता एरवर कैमरामैन राम नारायण के साथ हम विदिशा जिले के ग्राम टोरिया पर आए हुए हैं, जिसकी पंचायत सिंगार है। यहाँ का माहौल देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पर लोगों की स्थिति बहुत बेकार है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि यह गांव ओनली आदिवासी लोगों का है, जिन लोगों को संविधान मित्र आरक्षण होते हुए भी उन लोगों को कोई हेल्प नहीं मिल रही। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये गांव यहाँ पर ये फैमिली रहती है, इन लोगों की ये हाल है, ये आगे जाकर कहाँ रहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सरपंच को 5 साल हो चुके हैं और इस साल तो कोरोना के चलते 2 साल एक्स्ट्रा मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को पंचवर्षीय योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। ना ही यहाँ की सड़क ठीक है, ना ही यहाँ के लोगों का कुछ कहना है। आइए हम बात करते हैं। पूछो पूछो हम किसी और से भी बात करते हैं। जी दादा, आप बताइए कि आपके गाँव की सरकार की अभी तक क्या किया है? आपका नाम क्या है? समय सिंह। आप यहाँ पर कितने सालों से निवास कर रहे हैं? 40-45 साल में आप ऐसे ही घरों में? हाँ, ऐसे ही घरों में। आपने सरपंच से नहीं कहा कि अभी कुछ लाइए? बोला था फार्म भी भर दे, दो तीन तीन हजार कुछ चल जाएगी। आपने और कहीं पे सुनाई नहीं? नहीं, अभी तो नहीं। आप लोग बारिश में कैसे रहते होंगे? आप लोग परेशानी आती है आपको? है ना, जान भर में निकलते सब बच्चों में चलता है, क्या कर रहे हैं, बड़े रहते हैं धाम भरोसे। आपने कभी सरकार से कुछ वो नहीं की शिकायत वगैरह? नहीं साहब, कुछ नहीं बोला। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? क्या बता दे घर की, बता दे घर बताओ। आपका घर है? देखिए इनके घर की हालत। हाँ देखो, आप बाहर भी ऐसा ही, अंदर भी ऐसा ही है, वो क्या करें। आप चलिए अंदर और चले जाओ। फिर ठीक है, यहाँ पर लोग निवास करते हैं। पर त्रिपाल पत्नी, ये देखिए त्रिपाल पत्नी और घास की टपरिया है। यहाँ पर आप सोच सकते हैं ये लोग कैसे रहते होंगे।